बैक टू माई ब्लॉग। मेरे सब ठीक है, मैं मिलने का शुक्रिया बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग करता है स्टार्ट, और आज का जो ब्लॉग है अभी सुबह सुबह कहना 6:10 हो गया, और आज सुबह सुबह 2 बड़ी मसले हो गए। और सबसे बड़ा मसला यह है कि मेरी क्लासेस टूट गया, और दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या मसला है, लेकिन वो बाहर लोगों ने किया और क्लासेस बता दी किसकी वजह से टूट गया। रात मैंने ऐसे सही उतार के रखी थी, लेकिन सुबह उठ के देखा तो वो टूटी हुई है, और एंड स्कूल जाते वक्त पता चला कि मेरी क्लासेस टूट गई है। तो अभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन दिखा के फिलहाल टूटी हुई जाऊँगी, और आगे इसका कोई मसला हाल निकालते हैं कि मुझे लगता है नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो साइड से ना बिल्कुल उखड़ गई है। ये है मेरे ग्लासेस जो यहाँ से है, देखना ये उखड़ गई है। अभी फिलहाल ये लगा कर जाती हूँ, क्योंकि इसका कोई इस वक्त सलूशन नहीं है। 45 मिनट पर मैं निकलना है, और 15 मिनट अब हो गए, तो बस अभी इसको यही लगा कर ना चलते हैं। मसला जो है ना वो मेरे सन ब्लॉक के साथ हो गया, और वो क्या हुआ कि कल ना रात में नया सन ब्लॉक लेके आई थी, और ला के मैंने खोल करा शीशे पे रख दिया, मैंने सुबह स्कूल जाना है तो मुझे सामने से मिल जाएगा, किसी ने कौन सा जैसे उठा लेना है, ठीक है। और मैंने रख के सो गई, मुझे नहीं था पता कि मारे लोग उसको नाहुन मारे उसको फाड़ ही देंगे। उन लोगों ने ऐसा नाहुन मारा कि ये बिल्कुल ही था, ये देखे फट गया है। मैंने इसको एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया, बल्कि पूरा ज़ाया होने से ज़ाया ही हो गया एक तरह का, लेकिन क्योंकि ये सूख रहा है ना, तो अब मैंने सोचा कि इसको दराज में रखूँगी, अब यूज़ तो करना है। मैंने 480 का शायद दिया था, तो हाँ 480 का दिया था, तो क्योंकि मैंने उसे उनसे पूछा था कि इससे कम प्राइस का है कि नहीं, तो उन्होंने कहा था नहीं इससे कम का नहीं है, तो मैंने कहा चलिए यही दे दें। तो अभी फ़िलहाल मैंने बड़े महंगा लिया, और मैं इसको हर हाल में पूरे का पूरा यूज़ करके फेंकूँगी चाहे जो मर्जी हो जाए। अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, और आपसे मिलते हैं बाल चल, क्योंकि अभी बस थोड़ा सा टाइम लेके जाने का, और फटाफट मैं ना तैयार हूँ, ना बाया पहन, और फिर निकलते हैं, और फिर मैं आपसे रास्ते में मिलती हूँ। और घर से मैं निकल आई हूँ, 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट में ना मैं बस पहुँच जाऊँगी। और आज इतनी ठंडी हवा चलती है, इतना अच्छा मौसम हुआ है ना, जिसका कोई काम नहीं, मौसम अच्छा होना तो मूड बहुत अच्छा हो जाता है। बस अभी फटाफट पहुँचते हैं, क्योंकि मैं 45 पर निकल आती हूँ, और 50 पर ना उधर अटेंडेंस लगानी होती है, तो मैं कहती हूँ कि बस 50 मिनट्स में मैं पहुँच जाऊँ किसी तरह ना। तो स्कूल में आ गई हूँ, और मेरे आने से पहले ना आज किसी ने पंखा चलाया हुआ है, ये देखे कितनी इज्जत है। और अभी क्लास हो गई है स्टार्ट, और मैं लगाने लगी हूँ बच्चों की अटेंडेंस, और मैंने कहा सारे लोग साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर ले। और ये टैंक पी रही, बस बिल्कुल अभी अभी मैं स्कूल से आई हूँ, और टैंक बना के पी रही हूँ, और साथ ही है स्ट्रॉ, उसके ऊपर ये बियर बना हुआ है। ये मेरा मजान में लेके आई थी, लेकिन मजान में यूज़ करने का मौका नहीं मिला, तो मैं कहा जो भी यूज़ कर ले। और ये मेरे दो प्यारे प्यारे से जिन्नी जो है ना सो रहे हैं, इतने आराम से आज इकट्ठे सो रहे हैं, तो मैं सोच रही थी आज कितना इतफाक है। तो आज सैटरडे है, और मैं करने लगी हूँ अपने तोतों का घर साफ, क्योंकि मेरे नीचे वाला ट्रे है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ, मैं हफ्ते में एक क्लास भी एक दफ़ा कर देती हूँ, और बस ना सैटरडे को ही करती हूँ, क्योंकि मैं संडे को नहीं मैंने कोई काम डालती, अगर संडे को काम करना शुरू करो तो सारा दिन काम में निकल जाता है, और पता ही नहीं लगता कि आज संडे है ना, वैसे लगता है कि एक अलग काम का दिन है। तो बस अभी मैं करके करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करना है, क्योंकि अभी फिलहाल इसका खाना भी खत्म हुआ है, और इनका पानी जो है बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, ट्रे तो खाद भी खत्म है, उसकी तो बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि कितना गंदा है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले निकालते हैं इनका पानी, और ये देखें इनका पानी कितना गंदा हो गया। अच्छा ये पानी बहुत गंदा करते हैं, मैं इनका इतना साफ रख करके डालती हूँ फिर भी गंदा कर देते हैं। और अब इनका निकालते हैं खाना, खाना भी इनका ना मेरे हाथ से ये लग रहा है कि ख़त्म हुआ है, कि बाजरा ये लोग नहीं खाते, लेकिन जो ये ऊपर ब्लैक ब्लैक और दूसरा खाना तो ये सारा खाता है। ये देखें ट्रे का हाल, बेचारे का बुरा हाल हुआ है, मैंने ना पिछली दफ़ा भी साफ नहीं किया था, और ये मैं अभी नमाज पढ़ रही थी, और ये जो है ना स्वीटी मैडम इसी के ऊपर आके सो गया। चलो इसको सोने देते हैं, और मैं अपना जो है ना ये जो काम शुरू किया और ये कर लेती हूँ, ये दोनों मैंने साफ़ करने लगी हूँ, तो ये साथ ही दोनों ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं। तो अभी जब मैं खोलती हूँ ना इसके पिंजरे का दरवाज़ा, तो ये उड़ने लग जाते, देने लग जाते, शायद अब हम उड़ के निकल जाएंगे बाहर ना, और वो माइलो उतने में उठ के बैठ गया, उसको चाटने लग गया। और ये इनका खाना भी मैंने निकाल लिया, बस इसके साफ़ करती हूँ, और फिर इसके अंदर इनका खाना डालती हूँ, और ये पानी वाला भी ना साफ़ करके इनको ताज़ा पानी बाहर से डाल के। जो है ना एक ट्यूशन का बच्चा मेरा रह गया, वो इधर मेरे पास बैठ के पढ़ रहा है, बाकी दो चले गए हैं। ट्रे लेकर चलते हैं बाहर, ये ना इसका सारा गंदी दरी गिर जाए, और वो नीचे सोई हुई है स्वीटी, तो बड़े से आसे गुजरना पड़ेगा। और अभी ये देखें बैठ के नीचे दोनों जाके घुस गए हैं, नीचे इतना गंदा है जिसका कोई हिसाब नहीं, और इन दोनों को नीचे घुसने बैठने का इतना शौक चढ़ा हुआ, ये देखें। और पता नहीं किधर दूसरा चला गया, उसको भी ढूंढती हूँ, वो एक तो वो नज़र आ रहा है, और दूसरा पता नहीं किधर है, इसलिए इन्हें ढूंढ रही हूँ कि मेरा दिल है मैं इनको ना अभी नहला दूँ, कल नहलाया तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो अभी नहला के फारिग हो जाते हैं, और ये दोनों मिल ही नहीं रहे ना। अभी मालो काफी नहाने लगा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा परेशान हो गया, मियाँ के जो मुँह पा माँ हो गया ना, अभी नहीं नहीं मुझे नहीं नहीं करना चाह रहे हो, नहीं 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 करनी चल ना मीवी जानी छूरे साई मी माई नहीं नहीं वीडियो नहीं बनाई।
मम्मी मम्मी जानिए सुझे सही अभी नाई नहीं करेगा और परेशान हो गया क्योंकि आज है सैटरडे और माइलो और स्वीटी नहाएंगे वो सोचते माओ होते हैं। आज सैटरडे है तो अभी टाइम है माइलो और स्वीटी को नहलाने का। तो सबसे पहले मैंने आज सोचा कि माइलो को नहलाएंगे क्योंकि कभी मैं एक दफा ना स्वीटी को पहले नहलाती हूँ और एक दफा माइलो को पहले नहलाती हूँ। तो अभी सबसे पहले एक टप निकालते हैं, जग निकालते हैं, शैम्पू निकालते हैं और करते हैं माइलो को और इनको नहलाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये मेरे हाथ दोनों आधा घंटे में नहा लेते हैं। ठीक है तो बस उनको नहलाते हैं और फिर काम खत्म करते हैं। क्या हुआ अभी हम नहाएंगे मजा आ जाएगा माइलो को। फिर स्वीटी ने नहाना ना एक टापे में पानी पड़ जाती है तो इस तरह ना पानी कम सा होता है और क्योंकि माइलो लोगों को नहलाना इतना मुश्किल था मेरा तो वो इधर उधर भाग जाता है पीछे से टूटी से पानी गिरता रहता है तो मैं इस तरह टप में डाल देती हूँ ताकि उनको आराम से नहलाया जाए। स्वीटी एक मिनट रुक जाए अगले बारी है स्वीटी की और अब मैं नहला देती हूँ स्वीटी को। माइलो जो है नहा के चला गया फिलहाल हाथ मैंने इसे ना मशीन के ऊपर रखा है ताकि थोड़ी बेचारी रिलैक्स हो जाए। मैंने तो उठाया ही तो इसने माऊ माऊ शुरू कर दी है क्योंकि उसे पता चल गया मेरे साथ क्या होने लगा है। जो माइलो नहा के भाग गया ना तो अब इसको पता है कि मेरी बारी है। और आज मैंने एक नए जो है ना छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से बटेरे मंगवाए हैं। नए जानवर आ गया हमारे घर में और जो है ना ये पेयर है एक मेल और फीमेल का और मैंने इनको ऊपर ना बिल्कुल खुला छोड़ दिया है। माइलो और स्वीटी को भी नहीं दिखाया तो मैं इनको जब थोड़ी देर बाद ना दिखाऊंगी। मैं इनको ऊपर ला के इधर छोड़ दिया और ये खुशी से इधर उधर भाग रहे हैं। इनको कुछ खिलाते पिलाते हैं ताकि ये थोड़े से रिलैक्स हो क्योंकि जब एक जानवर की एक जगह से दूसरी जगह आता है तो फिर वो बड़ा परेशान हो जाता है थोड़े टाइम के लिए ना, लेकिन फिर उसको आदत होने लग जाती है। तो अभी ये फिलहाल इधर उधर भाग रहे हैं। बताती हूँ मैट उतारने का ना आसान तरीका क्या है कि अगर आप पूरे मतलब रूम से नहीं उतार सकते, जैसे ये बेड बहुत भारी है मैं नहीं उतार सकती, यहाँ से बहुत भारी है मैं नहीं उतार सकती, तो यहाँ पे आप साइड पे जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है कट छुरी की मदद से कैंची की मदद से आप कट लगाओ थोड़ा थोड़ा दोनों साइड्स पे इस तरह से और फिर क्या करो इसको मैंने ऐसा आधा उतार दिया। फिर मुझे याद है मैं एक दो तरीका बताऊँ कैसे कर सकते हैं। तो इतना ऐसे दोनों हाथों से फिर आप खींचो जोर से और फिर ये भी होगा कि ये सीधा भी निकल आएगा। देखें बिल्कुल सीधा भी निकले यहाँ से भी और यहाँ से भी और इजीली आप लोग खींचोगे सिंगल बंदा भी खींचेगा ना तो ईजीली निकल आएगा। वैसे मैं खींचती हूँ और निकालती हूँ। ये है मेरी नई जूती जो मैंने पहनी है आज ही और ऊपर से आज है लाइट बंद, ये बिल्कुल अंधेरा हुआ है और माइलो को मैं कोशिश कर रही हूँ कि बाहर आ जाए लेकिन वो बैठा हुआ जाके छुप के और साथ ना जनरेटर चल रहा है। 7 बजे की गई हुई लाइट अभी ना आई है, 9:30 हो गया इस वक्त और शुक्र है कि लाइट आ गई है। तो बिजली वालों ने सुबह होने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं आज रात को ही दे दी चाहिए लाइट। तो अभी फिलहाल लाइट आ गई है और आज के मेरा ब्लॉग बस इतना ही क्योंकि ना हो इससे पहले लाइट चली जाए मैंने मैं ब्लॉग एंड कर दूँ और फिर उसके बाद सोएं क्योंकि सुबह जाना है स्कूल वापस। सुबह तो ऐसे छुट्टी है, सुबह संडे है मुझे। अच्छा मुझे तो आजकल ऐसे लगता है बस स्कूल ही जाना है और तुम्हें काम ही नहीं करती, बस टाइम पर पहुँच जाऊँ स्कूल, सुबह संडे है ठीक है। और अभी वैसे मैं सो जाती हूँ क्योंकि अब ना माइलो की मिट्टी लेके आने तो होती है रोज़ सुबह जाके, तो सुबह सुबह आराम से मिल जाती है ना रश होता है और ना कोई और चीज़ होती है, तो फिर मैं आराम से जाके ना उनकी मिट्टी जो है वो ले आती हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग बस इतना ही, उम्मीद है आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।